हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हमारा एक मेथड नंबर 3 जो कि डिवीजन मेथड फॉर टू नंबर्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने अपनी पिछले की कुछ वीडियोस में किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था कि एचसीएफ कैसे सॉल्व करें, उनके ऑलरेडी टू मेथड्स हमने कवर कर चुके, एक तो लिस्टिंग द फैक्टर्स एंड सेकेंड वन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए आज की इस वीडियो में समझेंगे डिवीजन मेथड क्या है ना, इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या यूज है, वो सारी चीज हम आज बात करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इसको समझ लेते हैं कि डिवीजन मेथड को कैसे अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 1। क्या लिखा है आप देखिए, एचसीएफ ऑफ 208 एंड 436, ये दो नंबर हमारे पास गिवन, जिसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर मेथड चेंज है, कौन सी मेथड, डिवीजन मेथड, हमको डिवीजन मेथड अप्लाई करनी है ना। अब कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारे स्टेप्स आपके सामने यहाँ पर लिखे गए। ये क्या हमारे पास, ये सारे स्टेप्स है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे डिवीजन मेथड। ओके, ये स्टेप्स है ना, टोटल 3 स्टेप्स है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ना। सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए क्या लिखा है, सबसे फर्स्ट स्टेप में लिखा है डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। जो भी दो नंबर गिवन है तो उसमें क्या करना है, जो भी बड़ा वाला नंबर है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देना। ये तो आप सभी को आता है ना। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 436 और छोटा 208। तो क्या करना है हमको, 436 बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है छोटे वाले यानी 208 से। ओके, ध्यान दीजिए 208 इतना सही है। अब क्या करना, डिवाइड करना, तो कर दो डिवाइड। तो फर्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं कंप्लीट, डिवाइड करो। तो 208 को हमको किससे, सॉरी 436 को डिवाइड करना है 208। तो हम कितने टाइम्स 208 के टेबल रीड करेंगे कि हमारा इक्वल टू 436 आ जाए या फिर उसके नियरेस्ट आ जाए। तो आप टू टाइम्स करेंगे, टू टाइम्स तो कितना आएगा आपका, 416 आएगा। सही है, डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा इतना है 20 है ना। तो यहाँ तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, यहाँ तो सभी को आया समझ में। नेक्स्ट स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में क्या कंडीशन दे रखी, दो कंडीशन ध्यान दीजिए। फर्स्ट कंडीशन के करंट रिमाइंडर क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप डिवाइजर, जो हमारा करंट रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, जो अभी हमारा करंट रिमाइंडर है वो अगले स्टेप में डिवाइजर बनने वाला है। डिवाइजर कैसे बनेगा, ये बना दिया डिवाइजर, यानी अब अगर उस स्टेप को भूल जाओ तो अभी जो हमारा करंट रिमाइंडर 20 है वो बन गया, इसका डिवाइजर बन गया, इसकी सेकंड कंडीशन है। प्रीवियस स्टेप डिवाइजर, जो कि हमारा पिछला स्टेप का डिवाइजर था, ये था 200, वो क्या होने वाला है, इक्वल टू करंट डिविडेंड, वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 200 बन जाएगा हमारा डिविडेंड, 208 बन गया हमारा डिविडेंड। सही है, तो आइए सेकंड स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या करना, डिवाइड करना, डिवाइड करो तो कितना आएगा, 20 10 टाइम्स जाएगा तो आ जाएगा 200। सही है सभी को, माइनस कर लीजिए क्या बचेगा, 8 बचेगा, 08 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, 8 बजा। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक कंडीशन है सेकंड स्टेप में, क्या, जब तक हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 ना आ जाए, ये 8 है, जब तक रिमाइंडर 0 ना है तब तक सेकंड स्टेप को रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट करना है। तो आइए सेकंड स्टेप एक बार फिर से लगाते हैं। तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन करंट रिमाइंडर विल बिकम क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप डिवाइजर, ये होने वाला है। तो करंट रिमाइंडर 8 है, नेक्स्ट स्टेप में वो डिवाइजर बनने वाला है, तो ये बन गया डिवाइजर बन गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन प्रीवियस स्टेप डिवाइजर, जो पिछले स्टेप के डिवाइजर था, क्या था, इसके पहले वाले स्टेप के डिवाइजर 20 था, वो इस स्टेप पर करंट डिविडेंड बन जाएगा, यानी यहां पर वो डिवाइड होने वाला है, तो ये आ गया 20। सही है, कर दीजिए डिवाइड, सभी को आता है, कितने टाइम्स, 8 2 16, 3 टाइम्स करेंगे 24 हो जाएगा ना, हमको या तो इक्वल टू या तो नियरेस्ट चाहिए, इसको डिवाइड कीजिए तो क्या बचने वाला है, 4 बचेगा। सही आ रहा है, 4 बचा, अभी भी 0 नहीं आया हमारे एंटर, यानी हमको फिर से सेकंड स्टेप को कंटिन्यू रिपीट करना। ओके, तो फिर से कंडीशन लगाइए, करंट रिमाइंडर विल बिकम नेक्स्ट स्टेप डिवाइजर, जो हमारा करंट रिमाइंडर है ये 4 नेक्स्ट स्टेप का डिवाइजर बनने वाला है, बन गया डिवाइजर। ओके, प्रीवियस स्टेप डिवाइजर, जो कि पिछले स्टेप यानी इस स्टेप का डिवाइजर 8 है, करंट का डिविडेंड यानी इस स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा, ये बन गया डिविडेंड। सही आ रहा है, तो इसको डिवाइड कीजिए, तो 4 2 8 और फाइनली आपका आ गया 0। जैसे ही करंट, जैसे रिमाइंडर आपका 0 आया तो आपको क्या करना है,
सेकंड स्टेप आपका यहाँ पर हो जाता है खत्म, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया ना। तो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइजर ऑफ द लास्ट स्टेप विल बी एच सी एफ। लास्ट स्टेप देखो ध्यान दीजिए, ये हमारा पूरे मेथड का लास्ट स्टेप है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहे डिवाइजर, डिवाइजर की बात कर रहे, मैंने हाईलाइट कर रखा है, डिवाइजर ऑफ द लास्ट स्टेप विल बी एचसीएफ। जो भी लास्ट स्टेप के डिवाइजर होने वाला वही होगा हमारा एचसीएफ। तो लास्ट स्टेप के डिवाइजर क्या है, इसी को बोलते हैं डिवाइजर, है ना। ये हमारा डिवाइजर क्या है, डिवाइजर, और यही हमारा होने वाला है एचसीएफ फाइनल, है ना। तो इसका आंसर मैं साइड में लिखता हूँ आप सभी को। तो फाइनल हमारा क्या आ गया, एचसीएफ किससे निकालना था हमें, 208 एंड 436, क्या आएगा आंसर 4। तो फाइनल आंसर आपके सामने आया ये, है ना, ये आपका फाइनल आंसर सही में, इसका आंसर आपका आ गया ये, ओके। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए। सिंपल स्टेप से मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। जो भी दो नंबर आपके पास गिवन है जिसका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। इसलिए हमें 436 बिगर नंबर है और छोटे वाले हैं, तो उसको डिवाइड कर, फाइनल सिंपली डिवाइड कीजिए, फिर देखिए क्या आता है। तो हमारा इतना कुछ आ रहा था, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा, नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप की कंडीशन के, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा सेकंड स्टेप रिपीट होने वाला है, ओके। तो कंडीशन के फर्स्ट कंडीशन, करंट रिमाइंडर विल बिकम नेक्स्ट स्टेप डिवाइजर। तो यहाँ पर करंट रिमाइंडर इतना भूल जाए सबको, करंट रिमाइंडर 20 था, तो अगले स्टेप में डिवाइजर हो गया। प्रीवियस स्टेप डिवाइजर 200, पहले स्टेप में डिवाइजर था, पर इस वाले स्टेप में डिविडेंड, मतलब डिवाइड होने वाला, तो हो गया वो डिविडेंड, ओके। इस स्टेप को हम सेकंड स्टेप को रिपीट करते गए, तब जब कब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ गया, जीरो आया तो यहाँ पर आपको रुक जाना है ना। फिर लास्ट स्टेप के डिवाइजर ऑफ द लास्ट स्टेप, मैंने हाईलाइट कर दिया रेड से, ये हमारा लास्ट स्टेप है, और उसका डिवाइजर जो वही होने वाला है एचसीएफ, ओके। तो फाइनल आंसर आपको ऐसे मिलेगा, ओके। तो हमने क्या समझा कि किसी भी दो नंबर्स का अगर हमको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये आपके सामने है ना। तो आप सभी के सामने, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी अब आपका क्या काम है, प्रैक्टिस करना है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितने प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो बस हम इतनी बातें करेंगे, अपने आने वाले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।